मोस्टली तकरीबन 11 के करीब ट्रांसप्लांट्स उनके साथ किए थे और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा डिपार्टमेंट है और उसके लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी। हमारी चांसलर साहब ने डिसाइड किया कि किसी एक पर्सनल जो है एम्प्लॉय को जो है ना प्रॉपर फेलोशिप के लिए भेजेंगे। तो री स्टार्टेड अवर प्रोग्राम इन September 2020 एंड सिंस देन वी डिड नियरली 4 ट्रांसप्लांट्स और चारों के चारों जो है सक्सेसफुल हैं। तो अब तक जो डॉल यूनिवर्सिटी ने टोटल नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट फ्रॉम ईयर 2015 से 2020 तक की है वो तकरीबन 22 ट्रांसप्लांट्स जिनके रिजल्ट मोर और लेस सेम है किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इनिशियली अभी जो प्लानिंग हुई है उसमें ये कि 15 to 20 ट्रांसप्लांट डॉल यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंसेज फंड करेगा एंड उसके बाद फिर हम सिंध गवर्नमेंट से या किसी से भी जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से गंबट को फंड किया जा रहा है उसी तरह से डाओ को भी फंड किया जाए क्योंकि डेफिनेटली इस सर्जरी के ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इसका प्री ऑप वर्कअप भी एक्सटेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसप्लांट्स लाइक किडनी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक सफेद पोश के लिए और एक लेमैन के लिए पुअर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि ये सस्टेन कर सकें इस प्रोसीजर को। तो उसके लिए वाइस चांसलर साहब की कोशिश जारी है और हम भी अपने तौर पर जो है ना डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट से कांटेक्ट करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई चीज़ें ईज आउट हो सकेंगे। इस रीस्टार्ट के बाद तकरीबन 15 से 20 ट्रांसप्लांट में जो है वो डॉ यूनिवर्सिटी जो है वो फंड करेगी। जो चार पेशेंट हमने किए थे तो वो तो 100% रिजल्ट था बिकॉज चारों के चारों पेशेंट्स का जो कोर्स था वो यूजुअल है और उनकी रिकवरी बहुत स्मूथ और अनइवेंटफुल रही है और इवन फॉलोअप में भी जो हमें दिखा रहे हैं तो वो परफेक्ट है। उनके लीवर फंक्शंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो लीवर डिजीज़ की वजह से थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब वो अपने एक यूजुअल कोर्स में चल रहे हैं जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट चलते हैं। तो रिजल्ट तो ओवरऑल 100% है सो फार। सिटी देर इज़ नो फॉर्मल प्रोग्राम ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट। SIUT is doing transplant but they are not doing on a regular basis. Okay, so this institute has a potential to develop a center. Yeah, I am really very very thankful to our honorable vice chancellor as well as our liver transplant committee members which included Dr. Sohail Rao, Dr. Saad Khalid Niaz, Professor as well as administration of the Dow University, Dr. Zaid Azam and MS, and interest of the ancillary department team. This supported this program very well, and beyond my expectations. A